गुरुग्राम के पौश इलाके में बंदरों का आतंक, जाने पूरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में बंदरों के आतंक से स्थानीय निवासी परेशान हो चुके हैं, जहां आए दिन बंदर उनके घरों में घुसकर हुड़दंग करते हैं और सामान के साथ तोड़फोड़ करते हैं। दरअसल गुरुग्राम का सेक्टर 15 पार्ट 2 इलाका कहने को तो गुरुग्राम के सबसे पौश इलाकों में से एक है, लेकिन यहां बंदरों के आतंक से लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि अब वो अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर है। बता दें कि सेक्टर 15 इलाके में पिछले एक महीने से बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। कभी बंदर लोगों के घरों में घुसकर गमले तोड़ते हैं तो कभी रसोई में घुसकर वहां से सामान उठा ले जाते हैं। बंदरों के घरों में घुसने से लोगों में अब डर का माहौल है और यही वजह है कि जब ये बंदर घरों में घुसते हैं तो उस दौरान कई घंटों तक उनको अपने कमरे या घर का दरवाजा बंद रखकर अपने आप को अपने ही मकान में कैद करना पड़ता है। जरा सुनिए लोगों का इस पर क्या कहना है। बंदरों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, एक तरीके से मैं बोलूं तो आतंक मचा रखा है। चाहे वो मतलब हम फ्रीली निकल नहीं सकते, कई बार तो ऐसा हो रहा है कि हमारे को घर के अंदर दो दो दिन तक कैद करके रखे हुए हैं। वो घर के दरवाजे के सामने धरना दे करके बैठ जाते हैं। काफ़ी मैंने शिकायतें भी की एमसीजी के अंदर, फ़ोन भी किए, रिटन में भी, व्हाट्सएप पर भी डाला, और दो दिन पहले आई है उनकी गाड़ी यहाँ पर एमसीजी वालों की, पिंजरा विंजरा ले करके, और उन्होंने मुझसे केले वगैरह लिए बंदरों को पकड़ने के लिए। लेकिन जब इतनी समय लगाया उन्होंने इस तैयारी में कि जब तक वो बंदर उनको देख करके जब वो छत पे ऊपर गए तो वो भाग गए, और फिर वो थोड़ी देर वेट करके बोले कि जी अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, आपको नजर आए तो हमें बुला लेना। जानवरों से काफी परेशानियां हो रही है, मतलब हम उनको चाहते हैं कि उनको खाना मिले, भोजन मिले, परेशान ना हो, लेकिन अभी जैसे छोटे बच्चे हैं घर में, तो बालकनी का अगर गेट गलती से भी खुला रह जाए तो हमें बंदरों का वो सारा कूड़ा खा जाते हैं। हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कई सारे सारे पेड़ पौधे हमारे तोड़ गए हैं। लोगों की माने तो वो कई बार इसकी शिकायत निगम अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन महीना बीत जाने के बाद भी नगर निगम इन बंदरों पर लगाम कसने में नाकाम साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि घरों में छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे में कब बंदर घर में घुस जाए और किसी बच्चे को काट ले, ये डर हमेशा उनके मन में बना रहता है। बहरहाल अब देखना होगा कि निगम के अधिकारी कब नींद से उठकर इन बंदरों को पकड़ने का काम करते हैं या उन अधिकारियों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।